हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ चैनल विकास पांडे ब्लॉग्स। तो आपको अभी तक जैसे मैं बता दूं कि हम लोग 10-11 दिन से मंदिर में पूजा पाठ बिल्कुल ही बंद है। क्या हुआ कि छोटे भाई को भी बेबी हुआ है, तो कहते हैं 10-12 दिन उसका सुलग रहता है, उसकी वजह से मतलब पूजा पाठ बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं घर में। तो यार मन भी बड़ा आसान सा रहता है, कहते हैं ना पूजा पाठ करने से मन की शांति मिलती है, तो वही 10-12 दिन से नहीं कर पा रहे हैं। और कल से हम लोग रेगुलर फिर से अपनी पूजा पाठ स्टार्ट कर देंगे, तो कल से अपना रेगुलर ब्लॉग भी हो जाएगा। ब्लॉग तो हालांकि रोज़ ही डालता हूँ, बस कुछ ना कुछ वीडियो आ जाती है उसको डाल देता हूँ। और राम जी की मंदिर भी है, थोड़ा साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सही से क्या है बहन लोग साफ़ करती तो इतना उनको भी एक्सपीरियंस नहीं है साफ़ करने का, तो कर नहीं पाती हैं कि हम ही लोगों का है, पूरा हम ही लोग करते हैं साफ़। तो जैसा कि ये है देख सकते हैं मंदिर में, यहाँ पे तो हम लोग अंदर नहीं जाते, इतने तक आते हैं इसे दूर प्रणाम करके चले जाते हैं, और अंदर हम बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं। तो आपको एक दिन, हम कल हो सकता है कल या परसों, मैं आपको एक वीडियो दूँ जिसमें मैं आपको टास्क दूंगा, अपने जितने मंदिर में फूल लगे हैं वो सारी फूल का वीडियो डालूंगा। आपको उसमें पहचान करके कमेंट में बताना रहेगा कि वो किस किस फूल, किस किस मतलब उसके फूल हैं, कौन कौन से फूल लगे हुए हैं। तो क्योंकि लगे हैं हमने कम से कम 5 से 7 प्रकार के फूल लगे हुए हैं, तो आपको कमेंट में ही बताना रहेगा कि कौन से फूल हैं। तो फिलहाल अभी का सीन यही है कि चलते हैं घर में, क्योंकि घर में भी यार ऐसा है कि इस टाइम पे कोई नहीं है, कि मम्मी पापा लोग सब चले गए हैं बनारस, और जस्ट अभी 1 घंटे पहले निकले हैं वो भी बनारस के लिए। तो घर में अपने पूरा सुनसान पड़ा है, कोई भी नहीं है। और ये हमारा एक छोटा भाई, इसे बोला भाई चल भाई साथ में रहना, कुछ खाएंगे बनाए पियाएंगे। तो कहता है भाई मेरे से आता नहीं, मैं भारत का नक्शा बना दूंगा। मैं कहा भाई कुछ बना, अंदर जाने के बाद तो नक्शा ही बनना है। तो चलिए चलते हैं घर में, थोड़ा आटा टोटा सानना है, रोटी सब्जी बनाएंगे अपना, वही खाएंगे। अब अकेले 1 लोग के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, और हमारे भाई अपना गेमिंग करेंगे। मैं कहा चल भाई कर लेना, मेरा भी टाइम पास हो गया, क्योंकि अकेले यार एक बार और रह चुका हूँ करीबन, अभी हफ्ते भर पहले अकेले ही था। गैया घुस तो चुकी क्या है। मन, और ये आप देख सकते होंगे हमारी ये गाय माता आती रहती है मंदिर में और उजाड़ के चली जाती है कुछ ना कुछ। और अभी अपने यहाँ मंदिर में भी अच्छे खासे हम देख पा रहे होंगे, देख रहे होंगे अमरूद अच्छे खासे लगे हुए हैं, लेकिन देखने के लिए ही लगे हैं भाई, क्योंकि कुछ दिन बाद ये जहाँ थोड़े छोटे छोटे बच्चे आएंगे ना, तो ये जो लगे हुए हैं ना यार, ये देखिए ये रहने नहीं वाले हैं, सब के साथ खा स्कैम हो जाएंगे। और हमारे छत पे भी हैं, कुछ लोग गायब भी कर देते हैं पूरा, यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन क्या करना है। मैं क्या भाई लड़ाई करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा लड़ाई करना भी बेकार है, इसे दूर रहते हैं उस चीज़ों से। तो फिलहाल अभी चलेंगे घर, वीडियो आगे की कंटिन्यू करते हैं घर से ही। और घर जाते मेरे को एक चीज़ याद आया, मैंने भी वीडियो डाली थी ना भाई, ये देख सकते हैं इसने पूरे हमारे घर के जो बागान हमने लगाए थे उसकी पूरी चौपट कर दी थी इसी ने, साला पेड़ पौधे सारे तोड़ डाले थे, केले के जितने भी पेड़ पौधे थे वहाँ पे हमने लगाए थे सब इसने तोड़े। अब क्या था अपने मोबाइल में क्या है कि थंबनेल में नहीं लगा पाता हूँ, तो यार उसके लिए इग्नोर करना यार, क्योंकि फ़ोन में थंबनेल लगता ही नहीं है, पता नहीं क्या खराबी है। भाई के फ़ोन से लगाता तो भाई भी अपना यहाँ नहीं है, और भाई को भी महीने भर होने, महीने बोल रहा हूँ 15 दिन भाई को भी हो गए हैं नहीं है यहाँ पे, तो उसी से थंबनेल से अब देख रहे हो 15 दिन से मैं कोई भी थंबनेल नहीं डालता हूँ, ऐसे वीडियो डाल दे रहा हूँ अपने से, तो यार उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी वीडियो में प्यार और अपना सपोर्ट देते रहिएगा। तो अभी चलने वाले हैं मंदिर, तो जैसे आपने अभी देखी होगी अपनी मेरी अपनी फूलमती मंदिर की वीडियो, जो फूलमती का रहस्य ने बताया, वो भी आप लोगों की वजह से बहुत अच्छी चल रही है। अब ये नहीं कहूँगा ट्रेंडिंग में है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स अच्छा अच्छा है आपको, उसमें 600-700 लोग देख रहे हैं, तो ऐसे ही दिल से प्यार देते रहो। यार चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा यार, क्योंकि देखता हूँ वीडियो तो रोज़ बनाता हूँ यार, बट कोई सब्सक्राइब कोई भी नहीं करता है, वीडियो देख के आप लोग चले जाते हो, सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो, तो यार ये सपोर्ट करिए। ऐसा कि आप देख सकते हैं हम लोग अपने घर में आ चुके हैं, तो यहाँ भी हमारी देख सकते हैं प्यारी सी दुलारी सी गौ माता बैठी हुई हैं, ये देखिए है ना, बहुत ही प्यारी है, रोज आके बैठती है, और जब मन पड़ता है पूरे घर में यहाँ गोबर ही गोबर रहता है। और एक यहाँ बैठी है, एक उस साइड पे आप देख पा रहे होंगे, और एक हमारे घर कुत्ता ये देख सकते हैं, ये बैठा रहता है ऐसे ही, और इसका मेन आसन कुर्सी है, यही बैठेगा मंदिर के अंदर, जाएगा कृष्ण जी के चबूतरे पे जाके बैठ जाता है, भगाओ भागेगा फिर आके वहीं बैठता है, ऐसी स्थिति है। और घर तो यार पूरा सुना सुना हो चुका है, कोई घर में नहीं है, तो यार मन ही नहीं लगता किसी चीज़ में, और इस टाइम क्या भाई भी नहीं है और वाइफ भी नहीं है, तो यार घर में वैसे भी मन नहीं लगता। तो जस्ट खाना पीना हम लोगों ने बनाया, खा पी के जस्ट जैसे बाहर निकल रहे हैं, तो दोपहर का मौसम है, और ये देख सकते हो आप, ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा होने चला हो भाई, इतनी
ऐसा मौसम बना हुआ, बारिश भी बहुत ही जोरदार होने वाली है अपने यहाँ पे। और मौसम तो यार क्या ही कहें। चलिए तो मैं थोड़ा आपको और दिखा देता हूँ, आपको इसे समझ में आएगा। अंधेरा अंधेरा हो रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे शाम होने वाली हो, बट यार अभी खड़ी दोपहर है। ये देखिए पूरा मौसम अंधेरा अंधेरा छाया हुआ एकदम से, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रखा है अभी यार। आसमान देख सकते हैं आप किस तरह का है माहौल पूरा, और क्या है बहुत ही तगड़ी वाली हवा भी आगे जा रहा है। देख सकते हैं पेड़ पौधे भी आपको दिख जाएंगे, तो हम दिखाते हैं आपको और पेड़ पौधे आगे चलते चलते। और बिजली भी हल्के थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी आवाज़ आ रही है आसमान से कड़कने की। और ये देख सकते हैं आप हवा, ऐसी हवा चल रही है यहाँ पे। और सीरियसली यार कुछ भी कहो यार, लेकिन घर में अकेले रहो ना यार, टाइम ही पास में पता नहीं लोग रह कैसे लोग जो रह कैसे लगते हैं मेरे माता पिता के बिना। यार मेरा तो 1 घंटे काटना बड़ा मुश्किल पड़ रहा गया यार। अब देखते हैं आएंगे तो हर शायद कल आएंगे तो मेरे को 24 घंटे पूरे अकेले ऐसे बिताने हैं घर में यार। इतना बड़ा घर रह बना भी बड़ा मुश्किल है, फिर भी रहेंगे, रहेगा तुम्हारा भाई अकेले, देखते हैं कैसे रह पाते हैं। बट यार चलते हैं अभी घर ही जाएंगे, थोड़ा सोएंगे यार, नींद भी बहुत तगड़ी वाली आ रही है। क्योंकि क्या हो रखा है यार घर में, देखो कोई नहीं रहता, किसी से मन नहीं लग रहा मेरा, सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। और ये बारिश भी गिरने लगी है, ज़मीन आप देख पा रहे होंगे गीली हो रखी है ज़मीन में। तो अभी हम कुछ करेंगे नहीं, बस अब चलेंगे सोने यार, क्योंकि बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ दिल से सपोर्ट करिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।